क्या अक्षरा हो जाएगी अभिमन्यु से दूर? वेल, क्योंकि जिस तरह से सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि अक्षरा को वो बातें पता चल जाती है जो अभिमन्यु उससे छुपाने की कोशिश करता है, तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे अक्षरा और अभिमन्यु की शादी अच्छे तरीका से हो जाए और ये दोनों अपनी लाइफ में खुशहाल रहें, उसके लिए घर में सत्यनारायण भगवान का कथा का पूजा रखा जाता है और उस पूजा में वहाँ मंजरी भी पहुँच जाती है। अक्षरा अपने रूम में जब रेडी हो रही होती है तभी वहाँ मंजरी पहुँच के उससे चेक देने की कोशिश करती है और अभिमन्यु को अपने पास वापस लेने की बात करती है। वहीं अक्षरा मंजरी की ये बातें सुन बेहद परेशान हो जाती है और वो मंजरी से कहती है कि क्या आप अभिमन्यु को खरीदना चाहती है मुझसे। मंजरी बातों ही बातों में अक्षरा को घुमा फिरा देती है और फिर वहाँ से अक्षरा हॉल में पूजा के पास आ ही रही होती है और उसके पीछे पीछे मंजरी भी आती है। तब तक मंजरी के हाथों से धक्का लग जाता है और अक्षरा गिर जाती है और गिरने के बाद उसे देख के सभी लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, जहां एक तरफ अभिमन्यु देख के बेहद हैरान होता है आरोही और फिर मंजरी भी परेशान रहती है। वहीं जैसे ही हॉस्पिटल में अक्षरा को लेके सभी लोग जाते हैं और मंजरी भी जाने की कोशिश करती है, मनीष उस पर गुस्सा करता है और मंजरी को हॉस्पिटल नहीं जाने देता। वहीं आपने ये भी देखा होगा कैसे डॉक्टर अक्षरा के बच्चे के बारे में अभिमन्यु और आरोही से बताती है, जिसके बाद बेहद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि अभिमन्यु अपनी माँ पे बेहद गुस्सा करता है और वो अपनी माँ को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए अक्षरा के पास आ जाता है। वहीं अक्षरा के पास आने के बाद से अभिमन्यु की सारी चीज़ें धीरे धीरे छिनने लगती है। अभिमन्यु का जॉब चला जाता है और वो अपने हॉस्पिटल से जॉब छोड़ के निकल जाता है। वहीं ये बातें अभिमन्यु अक्षरा से छुपाने की कोशिश करता है, तब तक आरोही की बातें अक्षरा सुन लेती है और सुनने के बाद वो बेहद परेशान हो जाती है और वो ये मन ही मन सोचती है कि मेरे आ जाने की वजह से अभिमन्यु अपनी माँ से दूर हो गया और अब उसकी जॉब चली गई है, जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अक्षरा इन सारी बातों की वजह से अभिमन्यु से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी या फिर अभिमन्यु के साथ रह के इन हालातों का वो सामना डट के करेगी। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरीज के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।